हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म पावन खिंड को लेकर, और जानेंगे आज इस वीडियो में फिल्म के 14 दिनों की कलेक्शन रिपोर्ट कि फिल्म 14 दिनों के अंतर्गत कितना कलेक्शन कर रही है, क्या फिल्म हिट हुई या फिर सुपर डुपर हिट, बस यही जानने वाले हैं। अगर आप डाई हार्ट फैन हो छत्रपति शिवाजी महाराज के, जिस पर ये फिल्म बनाई गई है उन्हीं पर बेस्ड है, और ये मराठी फिल्म है, हिंदी ऑडियंस इसके लिए यार चाह रहे थे कि ये हिंदी डब में रिलीज़ हो। देखते हैं कब तक इसकी हिंदी डबिंग कंप्लीट की जाती है, अभी उसको लेकर कोई अपडेट नहीं आ रही है। अगर बात करें कलेक्शन को लेकर तो ये फिल्म डे बाई डे काफ़ी इंक्रीजमेंट के साथ कलेक्शन कर रही है, बोले तो ग्रोथ देखी जा रही है हर दिन। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी एक्चुअल में रिपोर्ट जो कलेक्शन की है वो आई नहीं है, लेकिन जो अजम्पशंस आ रहे हैं साइट्स के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि फिल्म का जो कलेक्शन है आज का इनकी 14वें दिन का वो है तकरीबन 1 करोड़ प्लस, जिसके बाद जो कलेक्शन हो चुका होगा फिल्म का यही कोई 14 दिनों के अंदर अंदर इंडिया नेट से वो गया है तकरीबन 22 करोड़ प्लस, और वहीं जो इंडिया ग्रॉस से जो कलेक्शन आ रहा है निकल के वो है 26 करोड़ प्लस। और इसी के साथ साथ आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से ये फिल्म कलेक्शन कर चुकी है 29 करोड़ प्लस का। वहीं जो उसका बजट निकल के आया है वो मैं आपको बता चुका हूँ, महज 10 करोड़ रुपए। यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, सारे वर्डिक्ट इसको मिल चुके हैं, और ये फिल्म कमाल की दिख रही है यार, कमाल की चल रही है अभी भी, 9.9 रेटिंग अभी भी बनी हुई है, और ये अब डाउनवर्ड्स नहीं जाएगी क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है रेटिंग को सिमिलर चलते हुए, तो अब ये एक कह सकते हो ऐतिहासिक फिल्म बन चुकी है। और ये फिल्म हर तरफ ट्रेंड कर रही है, और यकीन मानिएगा वीकेंड के बार पर इसका कलेक्शन और बढ़ेगा। वेल, आपकी फिल्म को लेकर क्या है राय कमेंट में मेंशन कीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।